नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूँ और बहुत बहुत सुस्वागतम दोपहर के आज यूट्यूब के लाइव में आपका फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक मैंने जैसे रखा है कि रनिंग नोज, सर्दी जुकाम ये जो हो जाता है बार बार, अभी सीजन भी चल रहा है उसका, तो उसको कैसे रोके, उससे बहुत क्विकली कैसे रेस्पॉन्ड उसको रोका जा सके, क्योंकि उसके बहुत सारे खतरनाक परिणाम होते हैं। पहली तो बात है, अगर सर्दी नाक से पानी कंटिन्यूसली बहेगा किसी काम में मन नहीं लगता, ये तो पहली बात है। दूसरी बात है, कंटिन्यूसली अगर वो बहता रहता है नाक, तो एक्सकोरिजन मतलब ये पूरा एक्सकोरिजन हो जाता है, मतलब एसिडिटी के कारण पूरा खा जाता है यहाँ पर पूरा। दूसरी चीज है, सर्दी हो गया और आपके उसके साथ साथ और भी कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, जैसे कि आपका बुखार आ गया, बदन दर्द, सर दर्द, ये सब ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। मतलब ये किसी शरीर के अंदर स्टार्ट होता है, उसके बाद इसको इसलिए आ जाता है, एक बार एक वो बुला लेता है अपने सारे दोस्तों को एक एक करके। सर्दी सर्दी के साथ साथ बुखार, बदन दर्द, सर दर्द और मतलब ब्रेथलेसनेस, नगना, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। इंसान ठीक से काम भी नहीं कर सकता, सो भी नहीं सकता, चल फिर भी नहीं सकता, नाक से कंटिन्यूअसली पानी बहता है, कितने ऐसे करके पूरा बैठा रहे, ऐसे सीधे रहो। आपने फील किया होगा नाक से अगर पानी जब बहता है ना, तो आप ऐसे सीधे भी नहीं बैठ सकते, पूरा टप टप करके गिरता है, और आप मैं गलती से ऐसे झुक गया तो पूरा टप टप करके पानी बहता है, आंखों से नाकों से मतलब गंगा जमुना बह रही हो, तो उसको कैसे रोके। बहुत सारे अभी पेशेंट्स मेरे क्लिनिक में आ रहे हैं, अभी मैंने देखा आज मतलब 10 से 12 पेशेंट वही थे। कारण क्या है, अभी धूप बहुत जोर से चल रही है, गर्मी बहुत जोर से चल रही है, तो क्या होता है अचानक लोग कोल्ड ड्रिंक्स पी लेते हैं, ठंडी चीजें पी लेते हैं, जैसे कि फ्रिज का पानी हुआ, तो बदन पूरा हीट के कारण गर्मी गर्म रहती है, और उसके ऊपर अगर हम कोई कोल्ड वाली चीज पी लेते हैं तुरंत, तो वो कोरेजा, सर्दी जुकाम पैदा कर, तो ऐसा पहले नहीं करना होगा। कभी भी धूप में आप घूम फिर के आए, नॉर्मल वाटर पिए या फिर गुनगुना पानी पिए, द बेस्ट थिंग इज दैट। पहले तो मैं आपको परहेज कैसे करेंगे इस तरह के सर्दी जुकाम जो नाक से पानी बहता उससे मैं बताऊंगा, उसके बाद दवाइयों के बारे में बताऊंगा। पहले आप उसे परहेज इस तरह से करें कि आप जब भी धूप से गर्मी से घूम के आए, ठंडा पानी बिल्कुल ना पिए, थोड़ा गुनगुना पानी पिए, तो बेस्ट रहेगा, आपको सर्दी जुकाम बुखार कभी नहीं होगा। ये मेरा अपने ऊपर बहुत ट्रायल एंड टेस्टेड है, आपने किसी जो किसी ने भी यूज किया होगा उनको पता होगा, और आप यूज करके भी देख सकते हैं, बढ़िया है। गुनगुना पानी पिए तो कभी आपको सर्दी जुकाम नहीं होगा। चलो मान लो आपने पी भी लिया, अगर आपको हो गया तो अब दवाई क्या, बेस्ट दवाई दो तीन है, मैं आपको बताऊंगा। पहला है आपका आर्सेनिक आयोड, दूसरा है नेट्रोम्यूल, तीसरा है साबाडिला। तीन टॉप मेडिसिन है, आर्सेनिक आयोड, साबाडिला, नेट्रोम्यूल। आपको क्या करना है, ये तीनों मेडिसिन जब आपका कंडीशन बहुत ही खराब हो, थोड़ा शुरू हो चुका हो, तो उस दौरान काम करता है, लेकिन उसको प्रिवेंट करने का भी एक मेडिसिन है, वो है नक्सभूमिका। नक्सभूमिका 30 हो 200 हो उसको प्रिवेंट करता है। कैसे करता है, ये मैंने पहले के एक वीडियो में एक किसी के सवाल में भी जवाब में मैंने बोला था, अभी डिटेल में इसका वीडियो मैं बना रहा हूं, क्योंकि आप अभी सीजन चल रहा है, बहुत सारे लोग इसे सफर कर रहे हैं, तो जब भी आपने देखा होगा, फील किया होगा कि सर्दी जुकाम डेवलप करने से पहले आपको कुछ अजीब सा लगता है। अजीब सा कैसे, मतलब गले में खराश होना, जुकाम की तरह ऐसे ऑकवर्ड फील होता है, पानी बहने लगता है, माने मतलब अंदर से थोड़ा थोड़ा जुकाम होने लगता है, तो बिल्कुल इस तरह के कंडीशन जब आपको फील हो, तो उस वक्त आप बिल्कुल क्या करें, देखिए 26 लोग देख रहे हैं, 11 लाइक है, फटाफट लाइक करते जाइए, और मैं आपके सवालों का जवाब भी दूंगा, पहले टॉपिक को खत्म कर लूं फिर दूंगा, डोंट वरी। और तो चीज यह है कि जब आपको इस तरह के फील होता है, तब आप क्या करें, नक्स भूमिका,
30 या 200 को डायरेक्टली अपने नोज पे ऊपर डालें, नाक के ऊपर यहां से तीन चार बूंद डालें और उसे ऐसे ऐसे घुमाएं, ऐसे हाथ ले बंद करें या फिर ऐसे बंद करें, सांस धीरे धीरे ले। हर 10-10 मिनट में आपको ऐसे करना है 4 से 5 बार। नक्स वोमिका 30 जब आपको फील हो, प्रॉपरली डेवलप ना हुआ हो सर्दी जुकाम, उससे पहले आपको कुछ अक्वर्ड फील होता है, आपको पता चल जाएगा कि हाँ मुझे शाम तक सर्दी हो जाएगी, ऐसा बहुत सारे लोगों ने फील किया होगा, तो उस दौरान आपको नक्स भूमिका लेना है, 4 से 5 बूंद नाक के ऊपर डालकर हाथ बंद करके उसको धीरे धीरे सांस लेना है, नाक से सांस लेना है, मुंह में नहीं डालना है, मुंह में डालने तो अब चलेगा ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन नाक से सबसे पहले आपको उसको इनहेल करना है। आप इनहेल करेंगे तो देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता करके आप 10-10 मिनट में उसको लेंगे तो 1 घंटे में आपका प्रिवेंट हो जाएगा, वो सर्दी जुकाम आपको होगा ही नहीं, मैंने अपने खुद फील किया है। एक तो होता है वो नक्स भूमिका, दूसरा और एक मेडिसिन है आर्सेनिक आल, जिसको भी डस्ट एलर्जी रहती है, जिनको भी डस्ट एलर्जी रहती है वो नक्स के साथ आर्सेनिक आल भी ले सकते हैं, आर्सेनिकम एल्बम। सेम प्रोसेस 30 पोटेंसी में नाक के ऊपर ऐसे 3-4 बूंद डालकर ऐसे ही घुमा के फिर उसको नाक बंद करके धीरे से लेना है। और भी अरे काम कर सकते हैं आप, उसको रुई में भिगो कर टिश्यू पेपर में डाल के उसको ऐसे इनहेल कर सकते हैं, नाक के पास रख के इनहेल भी कर सकते हैं, उसे प्रिवेंट हो जाएगा, बढ़िया प्रिवेंट होगा। ये तो हो गया प्रिवेंशन की बात, अभी अगर डेवलप हो गया तो क्या करें। डेवलप हो गया तो मैंने कहा 3 मेडिसिन, नेट्रोम्यूर, साबाडिला, आर्सेनिक आयोड। एक होता है आर्सेनिक आल्ब जो प्रिवेंट करता है, और दूसरा डेवलप होने के बाद आर्सेनिक आयोड होता है। तो आर्सेनिक आयोड, साबाडिला, नेट्रोम्यूर तीनों को आपने हर 15-15 मिनट के गैप में लेना है, 2 बूंद तीनों मेडिसिन का 30 पोटेंसी 15-15 मिनट के गैप में लेना है, हर मिनट के गैप में। आप देखेंगे कि आपको 4-5 घंटे में उसका रिलीफ होना शुरू हो जाएगा। आप एलोपैथिक में या तो लिमोसेट्रिजिन लेते हैं, दैट्स गुड, जो लोग ले रहे हैं उसका इतना भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है जैसे कि स्टेरॉइड का होता है, एंटीबायोटिक से होता है। आप होम्योपैथी के साथ लिमोसेट्रिजिन, मोंटिलुकास ले सकते हैं, लेकिन केवल अगर लिमोसेट्रिजिन, सेट्रिजिन, फेक्सोफेनाडिन, ये तीनों दवाई अगर लेते हैं और लंबे समय तक 2-3 दिन 4 दिन लेते हैं, तो आपको ये डेवलप होगा कि आपका सर्दी तो कम हो जाएगा लेकिन उसके साथ साथ बुखार, नजला, सरदर्द, छाती में जकड़न, सांस लेने में तकलीफ, ये सब हो जाए। तो उससे दूर रखने के लिए आपको होम्योपैथी मेडिसिन का पहले ट्राई करना होगा, उसके साथ साथ आप लिवोसेट्रिजिन, मोंटिलुकास भी ले सकते हैं। खाली पेट लेना है लिवोसेट्रिजिन, मोंटिलुकास सुबह एक, शाम को एक ले सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ 15 मिनट में ये तीनों मेडिसिन कंटिन्यू करें तो आपको 1 दिन के अंदर ही वो खत्म हो जाएगा। नहीं तो आपको 5 से 7 सर्दी खत्म होते होते उसका कॉम्प्लिकेशन खत्म होते होते 5 से 7 दिन लग जाएगा। क्या पता फिर खांसी आ जाए, सर्दी बंद होते होते बुखार बंद होते होते सरदर्द आ जाए, फिर खांसी आ जाए, फिर बदन दर्द, ये सब आ जाएगा। सब उसके भाई बंधु होते हैं, सर्दी के सब भाई बंधु बोलते हैं ना, वो एक आए तो हजारों को बुला लेता है, तो उसी तरह का होता है। तो पहले हो इसको प्रोटेक्ट कर लेते हैं, इसको अगर हम बंद कर देंगे तो ऑटोमेटिकली बाकी का सारा बंद हो जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप इसको करना है, ये सारा मेडिसिन मैंने बता दिया है आपको, तो एक के बाद आपको एक को यूज करना है। प्रिवेंशन की बात मैंने बोल दी, कैसे प्रिवेंट करें, पानी कैसे पीना है, वो सब भी मैंने बता दिया है। तो उसके बाद भी अगर आप कंटिन्यूअसली इसको लेंगे तो ये मेडिसिन आपको प्रिवेंट करेगा, बिल्कुल प्रिवेंट करेगा, बहुत ही बढ़िया बात है। तो आप स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं, ये गर्मी के कारण होता है तो सीजनल इफेक्ट होता है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यूज कर सकते हैं। तो ये तो था आज का टॉपिक, अभी सवालों के जवाब दे देते हैं। और प्रधान बाबू नमस्कार, जय जगन्नाथ, केमिति अच्छा आपण, मुझे बहुत बढ़िया अच्छी। अंसारी जी बोल रहे हैं हाय सर, आशीष जी नमस्ते, मैं हूँ अंसारी जी बोल रहे हैं सर, सल्फर को कैसा लेना है और वाटर के साथ साथ तो डायरेक्ट टंग पे डायरेक्टली ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, 30 या 200 लेना तो डायरेक्टली ले सकते हैं, पानी में मिलाकर ले, जब स्किन डिजीज हो तो पानी में मिला लीजिए, उसमें 1 चम्मच लीजिए, बाकी फेंक देना, उससे एग्रावेशन का खतरा हट जाता है। और आजम मिर्जा जी बोले सर, बर्बरी सेकोफिलिम क्यू कौन सी कंपनी का बेस्ट होता है, स्क्वाबे या वैक्सन, प्लीज कोई भी कंपनी का आप ले लीजिए, बेटर रहेगा, आप इंडियन कंपनी का ले लीजिए,
एसपीएल भी आता है, बैक्सन भी, विजल भी, बीजेन बहुत सारा आता है उसको, अभी इंडिया भी आता है, ले सकते हैं, कम पैसे होते हैं, कॉस्ट भी कम होता है। और रोजर दत्ता जी बोल रहे हैं यूजिंग बेंजोइक एसिड बर्बरिस अर्टिका यूरिन्स फ्रॉम 2 months बट नो बेनिफिट, क्या मेरे आपका गाउट का प्रॉब्लम था कि क्या और का प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम तो बताइए। आशीष जी बोले एसिडिटी की अच्छी दवा बता दीजिए सर आयरिस का अलावा, मैंने आपको बता दिया आप एसिडिटी के लिए दालचीनी का पाउडर बना के रखिए, उसको लीजिए दिन में 2 बार, वो खत्म हो जाएगा। नहीं तो आप रोबिनिया क्यू ले सकते हैं, रोबिनिया क्यू 10 बूंद दिन में 3 बार पानी में मिलाकर सबसे बेहतरीन दवा है, या फिर लाइकोपोडियम 3X तो मैंने बता दिया है। प्रकाश जी बोल रहे हैं सर लेफ्ट लेग में सूजन है, डॉक्टर ने फाइलेरिया बताया है, कोई होम्योपैथी में दवा बताया। हाइड्रोकोटाइल मदर टिंचर 20 बूंद दिन में 2 बार पानी में मिलाकर लीजिए, बढ़िया काम करेगा। और मनप्रीत जी बोल रहे हैं सर आपसे व्हाट्सएप पे बात कर सकती हूँ, नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने वो बंद कर दिया है। और हाँ मैसेज करिए आपका जो भी प्रॉब्लम हो, मैं आपको प्रॉब्लम का जवाब दे दूंगा। रोजे दत्ता जी बोल रहे हैं यूजिंग फॉर गाउट बेंजोइक एसिड, अच्छा गाउट का प्रॉब्लम, तो बिल्कुल आप कैल्शियम यूज कीजिए, कैल्शियम सबसे बेहतरीन काम करेगा, कैल्शियम 30 दिन में 2 से 3 बार यूज कीजिए, बढ़िया काम करेगा। देवाशीष जी बोले गुड इवनिंग, यस्टरडे आपने बोला था कि के मेल कर दिए हैं बट अनफॉर्चुनेटली मुझे डिलीवर नहीं हुआ है, फिर से कर देंगे प्लीज, मैं बिल्कुल कर दूंगा। और हरी असीम जी बोल रहे हैं स्माइल इज वेरी नाइस, बहुत बहुत धन्यवाद। जगदीश जायसवाल जी बोले हेलो सर हैप्पी टू सी, कैसे हैं आप सर जी, रिंगवर्म ठीक नहीं हो रहा है, प्लीज कुछ दवा बताइए। देखिए जगदीश जी रिंगवर्म के लिए थोड़ा वक्त लगता है, 3 स्पेसिफिक मेडिसिन मैंने बोला था, बैसिलिनम टेलुरियम सिपिया, उसको स्टेप बाय स्टेप लेना है, फिर भी आप मुझे फोटोज मुझे भेजिए, मैं आपको गाइड करूंगा बिल्कुल। और शरीफ जी बोल रहे हैं एपी स्मेल क्यू सिस्टाइटिस के लिए यूज कर सकता हूँ क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। चौधरी जी बोल रहे हैं गुड इवनिंग सर, हंस खान जी बोले बहुत बहुत फ्रीदार व्हाट्सएप का रिप्लाई दिया, प्लीज मैं हाँ दे दूंगा अगर फ्री हो, अभी फ्री होने के बाद दे दूंगा। सिन्हा जी बोल रहे डॉक्टर साहब डॉक्टर के लिप्स हमेशा ड्राई रहती है, मैं सो दवाई ड्राई रहती है, तो बिल्कुल आप पेट्रोलियम लीजिए, ये ऑयली ऑयल के अभाव के कारण हो सकता है, तो बिल्कुल आप पेट्रोलियम 30 दिन में 2 बार करके ले सकते हैं। और फनी बस वीडियो बोले हेलो सर, हेलो दीपेंद्र जी बोल रहे हैं गुड इवनिंग सर, सर मुझे AJCCW का फॉर्मूला का मेडिसिन मंगानी थी, कौन सी कंपनी के लिए, कोई भी कंपनी चलेगा, इंडियन कंपनी मंगा दीजिए। परमिंदर संधु जी बोल रहे हैं हेलो सर, हेलो देवाशीष जी, और फॉस्फोरस तुजा 30 का डोज थोड़ा डिटेल्स में बताइए, फॉस्फोरस और तुजा 30 पोटेंसी में दिन में एक एक बार, आप सुबह एक बार तो दूसरा शाम को ले सकते हैं, 4 से 5 बूंद एम्प्टी स्टोमक डायरेक्टली जीप पे ले सकते हैं। सुमन जी बोल रहे हैं मोबाइल लैपटॉप के सामने सारा टाइम वर्क करने के लिए मेरा आय का क्या प्रॉब्लम होता है, वर्क करने के लिए आय में क्या प्रॉब्लम होता है, आंखों में प्रॉब्लम हो जाएगा कंटिन्यूसली, अगर आप कंप्यूटर के सामने लैपटॉप के सामने बैठोगे तो आंखों में आंखों की रोशनी तो खींच लेगा, वो प्रॉब्लम होगा ही होगा, तो जितना जरूरी हो बैठे, नहीं तो दूर रहे उससे। और जबरदस्त वेरी नाइस टॉपिक सर, रियली नीड योर एडवाइस, बिल्कुल सुशील जी बोल रहे हैं इंटरनेट पर लिखा है कि राल्फिया सर्पेंटिना की डाइजेशन एंड नासल कंजेशन एंड डिसफंक्शन के रिलेटेड साइड इफेक्ट होता है, नहीं सुशील जी ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने उसके ऊपर एक खास वीडियो बनाया था कि राल्फिया का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर यूज करें। और फाय जी बोल रहे हैं लाइक डन सर लाइक ऑलवेज, बहुत बहुत धन्यवाद। विशाल जी बोल रहे हैं गुड आफ्टरनून डॉक्टर अपेंडिक्स की दवा बताइए, अपेंडिक्स के लिए आप बेलाडोना 30 दिन में 2 बार करके ले सकते हैं, ज्यादा प्रॉब्लम है एक्यूट कंडीशन है तो आप हर 3-3, 2-2 घंटे में भी रिपीट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन अगर पस फॉर्मेशन हो गया तो आप शालीसिया यूज कर सकते हैं, 200 में 1 या 2 डोज लीजिए, ज्यादा लेंगे तो अंदर फट जाएगा तो प्रॉब्लम होगा, तो आप बेहतर होगा बेलाडोना यूज कीजिए और उसके बाद फिर देखते हैं। विक्रम जी बोल रहे हैं गुड इवनिंग सर कैसे हो, मैं बहुत बढ़िया हूँ। शरीफ सोहम जी बोल रहे हैं एपिस्मेल क्यू क्या ह्यूमन के लिए हार्मफुल है, जैसे कि डिजीज क्योर नहीं करता था, नहीं एपिस्मेल क्यू ज्यादातर यूज नहीं होता, आप 30 या 3X में यूज कर सकते हैं। सुशील जी बोल रहे फॉरहेड पर दाने हमेशा रहता है, डिफेक्टिव रेमेडी एडवाइस करें प्लीज, फॉरहेड पे दाने हैं तो हमेशा रहता है, डिफेक्टिव रेमेडी नहीं इफेक्टिव रेमेडी एडवाइस करें, तो बिल्कुल आप उसके लिए रस बैन यूज कीजिए 30 पोटेंस में दिन 2 बार। फायर जी बोल रहे हैं सर मेरे गर्मी से सर में
दर्द होता है, हेडेक प्रॉब्लम है, कोई मेडिसिन, बिल्कुल आप क्लोनोइन और जेलसीमियम हर एक एक घंटे के अंतर में लीजिए, ठीक हो जाएगा। 30 पोटेंसी में हर एक एक घंटे में। संधु जी बोल रहे सर वर्ड्स ऑन मेन जेंडर, थुजा ले सकते हैं 30 पोटेंसी में और लुकिंग फ्रेश, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष जी बोल रहे सर नेट्रोम्यूर सवाडिला आर्सेनिक आवर्ड तीनों को मिलाकर कैसे 30 पोटेंसी, आप उसको 15-15 मिनट आधे आधे घंटे के रिपीट में ले सकते हैं डायरेक्टली जीप पे और 4-5 बूंद। अलाउद्दीन पटेल जी बोल रहे सर डॉक्टर हैविंग क्रॉनिक इंसोम्निया फॉर मेनी डेज सजेस्ट मेडिसिन, बिल्कुल आप पासिफ्लोरा मदर टिंचर 50 बूंद दिन में 3 बार लीजिए, दिन में नहीं लेने की जरूरत है, शाम को लीजिए 6 बजे 8 बजे और 10 बजे, थोड़े पानी में मिलाकर लीजिए, बढ़िया काम करेगा। राहुल जी बोल रहे हैं गुड इवनिंग सर एसिड फॉस और फ्लोरिक एसिड के साथ कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन लेनी है, उसके लिए आपको हेयर आपका जो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है आप बिल्कुल फॉस्फोरस ले सकते हैं, ट्यूबरकुलिनम भी ले सकते हैं, कैल्किरा कार्ब ले सकते हैं, बहुत है, लेकिन आपका कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है ये ठीक करना पड़ेगा पहले। और प्रजापति जी बोले सर मेरे पापा के रिटर्न से मस्सा बाहर आ रहा है, दर्द नहीं हो रहा है, खांसी आने से बाहर आ जाता है, कैल्किरा फ्लोर दे रहा हूं, सही है क्या? हाँ बिल्कुल काम करेगा, नहीं तो फिर देखते हैं उसका कुछ और मेडिसिन सिलेक्ट करेगा। सुशील जी बोल रहे डॉक्टर साहब आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू व्हाट का बात कफ वीक को बैलेंस करने के लिए कोई होम्योपैथी मेडिसिन है? बिल्कुल है, उसके लिए आप आर्सेनिक आप वो तीनों होता है, जैसे कि आयुर्वेदिक में वात पित्त कफ होता है वैसे ही होम्योपैथिक में एंटीसोरिक एंटीसाइकोटिक एंटीसिफिलिटी तीनों कंडीशन होता है, एक मेडिसिन वो है आर्सेनिक आल्ब, वो तीनों कंडीशन के लिए बढ़िया काम करती है। 30 पोटेंसी में लेना है, दिन में 3 बार भी ले सकते हैं, 3 घंटे में भी ले सकते हैं आप। नूतन कुमार जी बोले सर फॉर परमानेंट टेस्टोस्टेरोन लेवल 33 लो टेस्टोस्टेरोन लेवल, तो उसके लिए प्रॉपर खाना खाइए आप, जो खाना प्रॉपर टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाएगा वो खा सकते हैं, फिर उसके साथ साथ आप एसिड फोर्स का मदर डिंजर 10 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं थोड़े पानी में मिलाकर। विनी जी बोल रहे हैं एसिडिटी में लाइकोपोडियम 3x की बजाय 30 में ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन थोड़ा देर से असर करेगा। दीपेंद्र जी बोले ये रहा सर के मेल व्हाट्सएप नंबर, हाँ संतोष के आर पानी @gmail.com, और ये नहीं ये अब नंबर अभी चेंज हो चुका है 9040040263। और चित्रंजन जी बोल रहे हैं सूंघने की समय नहीं है, सूंघने की समय नहीं है, समझ नहीं पाया मैं। महादेव जी बोल रहे हैं गुड इवनिंग सर बीपी का फॉर्मूला वेरी वेरी हाई बीपी में भी यूज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल यूज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा डोज बढ़ा दीजिए क्योंकि बीपी सडन डिक्रीज भी करना डेंजरस हो सकता है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, होम्योपैथिक में ऐसा सडन डिक्रीज नहीं होता जो कि एलोपैथिक में आपका होता है। आप या फिर जैसे कि एम्लोडिपिन हुआ, एटनोलोल हुआ, टेलमिसर्टन हुआ, और एक दो मेडिसिन आता है जैसे कि आपका कैल्सिका रिटार्ड होता है 20 mg या 10 mg आता है तो उसका सडनली डिक्रीज हो जाता है, होम्योपैथिक में वो सडनली डिक्रीज नहीं होता, होम्योपैथिक में स्लोली एक्शन आता है और उसका कोई बिल्कुल साइड इफेक्ट नहीं होता। तो आप राउल्फिया पासिफ्लोरा टर्मिनल अर्जुना तीनों को मिलाकर 20 बूंद दिन में 3 बार दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। राकेश जी बोल रहे हैं सर क्या हम मेरकोर और एलोसोकोटिना साथ में ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन आधे घंटे से 1 घंटे गैप में लेना है। और विक्रम जी बोल रहे हैं सर मैंने एस्कुलोस्कोलिनसोनिया लेने के बाद एसिनाइटेड 200 के 2 डोज लिए पर सर अनस के अंदर से जख्म है वो क्योर नहीं हो रहा है। बिल्कुल होगा, थोड़ा वक्त लगेगा और 2-3 महीने के बाद आप उसका क्या करें ट्यूबरकुलिनम का 1 डोज ले लीजिए 200 ट्यूबरकुलिनम 200 का 1 डोज ले लीजिए। दीपेंद्र जी बोल रहे हैं ये रहा सर का ईमेल, हाँ फिर से बोल रहे हैं ये नंबर व्हाट्सएप नंबर ये चेंज हो गया है 9040040263। और आपसे मंगवानी थी, अच्छा मुझसे मंगवानी थी तो मैं आप बिल्कुल व्हाट्सएप से कॉन्टेक्ट कीजिए, मैं आपको मेडिसिन भेज दूंगा, आप अपना प्रॉपर एड्रेस वगैरह भेजिए, मैं जिनको भी मेडिसिन की जरूरत हो मैं आपको कुरियर कर दूंगा। और सुशील जी बोल रहे हैं लोअर लिप केज एंड थोरासिक स्पाइन में पेन होता है, बिल्कुल तो आप उसके लिए गैस्ट्राइटिस की वजह से हो सकता है, तो कौन से साइड में हो रहा है ये डिपेंड करता है, अगर लेफ्ट साइड में होता है ये तो गैस्ट्राइटिस की वजह से, अगर राइट साइड में होता है तो लीवर के प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है। तो क्या यूज करना है समझ नहीं पा रहा हूं मैं, फ्लेक्स डैंड्रफ एक्सट्रीम डैंड्रफ है तो बिल्कुल आप थुजा यूज कीजिए और फॉस्फोरस यूज कीजिए दो बार। और दीपेंद्र जी बोल रहे हैं ये कैसे वही लास्ट 10 ईयर्स है बिल्कुल, और अश्विनी जी गुड एफर्ट बहुत बहुत धन्यवाद। चित्रंजन जी कुछ सूंघते तो पता नहीं चलता, अच्छा तो स्मेल आपका खत्म हो चुका है तो बिल्कुल आप उसके लिए एमोनियम कार्ब लीजिए और शैम्पू को लीजिए 30 पोटेंसी में सुबह 1-2 दूसरा शैम्पू। अलाउद्दीन जी बोल रहे हैं सर इन आवर सिटी वी आर इफ वी गो फॉर होम्योपैथी मेडिसिन इन डाइल्यूशन काउंटर बॉय गोज इनसाइड एंड ब्रिंग्स द रिक्वायर्ड मेडिसिन
He does not show the bottle nor potency. How to believe in genuineness? तो बिल्कुल अगर आपका वो अपना क्लोज का एरिया का दुकान है तो बिल्कुल आपको यकीन करना होगा, नहीं तो आप उसे डायरेक्टली सील पैक मंगा लीजिए। थोड़ा सा छोटा सा 30 ml का भी आता है, आपको 15 ml या 20 ml का सील पैक भी मंगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसे इसे और क्या कर सकते हैं, यकीन तो करना होगा। विजय जी बोल रहे हैं एक महीना हो गया आराम नहीं हो रहा है, क्या करूं? विजय जी क्या प्रॉब्लम है बताइए आपका, मैं मुझे याद नहीं है इतने परसेंट में, आप बताइए क्या प्रॉब्लम था। दीपेंद्र जी बोल रहे हैं, रोनित पाठक जी बोल रहे हैं A25 बेस्ट मेडिसिन फॉर फैटी डैंड्रफ, ये मैंने बता दिया आपको रोनित जी, आप तुजा और फॉस्फोरस लीजिए दो बार। और अशोक जी बोल रहे हैं आई वॉन्ट टू टॉक टू यू प्लीज गिव मी सम टाइम, तो बिल्कुल आप हो सके तो शाम को यार 7-8 बजे के बाद कॉल कीजिए। और संधू जी बोल रहे हैं कितना टाइम लाना है, कितना टाइम मतलब आपने ये छोटा छोटा अलग अलग सवाल पूछेंगे तो मुझे प्रीवियसली फिर स्क्रॉल करके देखना पड़ता है। इमरान हुसैन जी बोल रहे हैं कोई वेरी क्रॉनिक केस के लिए 3210 mg करके पोटेंसी बनाना जरूर है क्या, 30 पोटेंसी के लॉन्ग टाइम यूज करके क्रॉनिक क्योर हो सकता है? नहीं, 30 के बाद एक महीने के बाद आप उसको 200 फिर 1 mg ऐसे बढ़ाना पड़ेगा, कंटिन्यूसली आप यूज नहीं कर सकते। उससे जी बोल रहे हैं सर बोथ्रोपोस लैक्टेंथस कितने दिनों तक यूज करना है, एक महीना यूज कीजिए फिर बंद कर देंगे या फिर पोटेंसी रेज करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन कैसे पता चलेगा? आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए मेल पे या व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं आपको फॉर्म भेजूंगा, उसका फॉर्म पे आप उसको फिलअप करके आप मुझे भेजिए, मैं उसको देख के आपको बता दूंगा। पाठक जी बोल रहे हैं सर कैलिफोर 6x स्लो वर्क करता है क्या? हाँ, 6x बायोकेमिक होता है, स्लो वर्क करता है, तो आपको बिल्कुल 30 पोटेंसी में यूज करना है, उससे ज्यादा पोटेंसी ज्यादा रहेगा तो बेहतर रहेगा। प्रिवेंटिव मेडिसिन फॉर NIPH वायरस, देखिए कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो आर्सेनिक आल्ब सबसे बेहतरीन काम करता है, तो आप यूज कीजिए दिन में 2-3। फिमोसिस निकालिए सर, फिमोसिस, हाँ फिमोसिस के लिए मैं आपका कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको बता दूंगा। और देवाशीष जी बोले डेंड्रफ के लिए तुजा 30 कितने मंथ तक लेना पड़ेगा? तुजा 30 आप उसके साथ फॉस्फोरस 30 भी लीजिए, 15 दिन लीजिए फिर मुझे बोलिए। राकेश जी बोल रहे एक गुटखा खाने की वजह से मुंह में पूरा नहीं खुल रहा है। अच्छा, तो ये आपका जो एक ग्लैंड होता है गुटखा खाने की वजह से पैरोटिड ग्लैंड यहाँ पर होता है, गाल के दोनों तरफ पैरोटिडाइटिस इसलिए उसको कहते हैं, तो वो इन्फ्लेमेशन होता है पैरोटिड ग्लैंड, जब इन्फ्लेमेशन होता है तो मुंह खुलता नहीं है, दो उंगली से मुश्किल से खुलता है, तो बिल्कुल आप उसके लिए बेहतर होगा मैक्सोल लीजिए, मैक्सोल 30 पोटेंसी में दिन में 2-2 बार लीजिए। और अभी नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत दिखा रहा है तो मैं आज का लाइव यहीं पर एंड करूंगा और कल फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। और नेटवर्क प्रॉब्लम अभी आ गया है तो बार बार कट रहा है, हाँ आई डोंट रिसीव द टाइम, हाँ बिल्कुल अभी नेटवर्क प्रॉब्लम थोड़ा थोड़ा दिखा रहा है, तो बिल्कुल बाद में बात करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, कीप शेयरिंग ऑल माई वीडियोज, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, आप मेरे लाइव पर अटेंड कर रहे हैं। और अपने जो भी दोस्तों हैं उनसे बोलिए कि सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए, ताकि YouTube की तरफ से आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले जब भी मैं लाइव पे आऊँ या फिर कोई नया वीडियो अपलोड करूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।